अरे यार, ये सेक्सी कपड़े सेक्सी मौसम के लिए, ठंडी के मौसम के कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं आज। विंटर फैशन इन इंडिया। हाँ जी, आज की वीडियो में ठंडी के मौसम का फैशन गाइड। दोस्तों, टिप नंबर वन है एक कड़वा सच। कड़वा सच ये है कि विंटर में जो हम कपड़े पहनते हैं ना, ठंडी के कपड़े थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। और अगर आपको सच में स्टाइलिश दिखना है ना, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है भाई। पर आपको किस पर ध्यान रखना है कि आप वर्सेटाइल कपड़े चुने। आप कोई ऐसे कपड़े चुने जो बाकी कपड़ों के साथ ना आसानी से मैच हो सकते हैं। तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? सोबर कलर्स पर। ऐसे कलर्स जो बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, जो आप दूसरे कलर्स के साथ मैच कर सकते हो। और वो सोबर कलर्स कौन से होते हैं? ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, ऑलिव ग्रीन एंड मरून इन सम केसेस। पर यार, मैं मरून को इंक्लूड नहीं करूंगा। इफ यू फील यू हैव इनफ स्वैग टू कैरी आउट मरून, गो फॉर इट। पर ये है मेरे चार फेवरेट विंटर के कलर्स। विंटर के कपड़े ना, चाहे जैकेट्स हो, स्वेटर्स हो, लंबे टी शर्ट्स हो या शर्ट्स हो, इन्हीं कलर्स में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फैशन भैया। टिप नंबर टू है विंटर फैशन की सबसे बड़ी गलती। बहुत बंदे ना, उन लोगों को स्टाइलिश तो लगना है, बट इन द एंड वो कैसे लगते हैं? बिल्कुल फुग्गे की तरह। दोस्तों, अगर आपको स्टाइलिश दिखता है विंटर में, तो मम्मी की मत सुनो। मम्मी ना विल केयर अबाउट योर बॉडी टेम्परेचर। मम्मी कहेगी कि यार, अगर तेरे को ठंडी लग गई तो क्या करेगा, मर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको स्टाइलिश दिखता है ना, तो मम्मी की मत सुनो, क्योंकि मम्मी आपको बिल्कुल फुग्गे की तरह सजाएगी। अगर आपको स्टाइलिश दिखना है, ड्रेस लाइक अ बॉस। वो जो एकदम मोटे मोटे जैकेट्स रहते हैं ना, वो अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो या साउथ पोल को जा रहे हो ना, तब आपको पहनने चाहिए। इंडिया में ना ठंडी है, बट इतनी भी ठंडी नहीं है, ठीक है। आइडियली अकॉर्डिंग टू इंडियन विंटर्स, थोड़े से पतले वाले जैकेट्स पहनो। एकदम पतले नहीं, बट थोड़े से पतले, जो आपको गर्म भी रखेंगे पर स्लिक एंड स्मूथ भी आपको पेश करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये पतले जैकेट्स पहनकर आपको फिर भी ठंड लग रही है ना, देन गो फॉर लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। अंदर बहुत सारे कपड़े पहन लो, आपको गर्मी लगने लगेगी। अगर लेयरिंग नहीं करनी है तो अंदर थर्मल्स पहन लो, उसके ऊपर कोई टी शर्ट या शर्ट पहन लो, एंड देन वेयर अ जैकेट। थर्मल्स इज द वे टू गो। और आई बात जैकेट्स की, अगर आपको जैकेट की शॉपिंग करनी है ना इंडिया में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साइजेस ना बहुत लिमिटेड होते हैं इस देश में। इसलिए व्हेन यू आर गोइंग जैकेट शॉपिंग, आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है। पहली चीज है रिस्ट लेंथ। वो जैकेट की लेंथ ना बिल्कुल आपके रिस्ट पर एंड होनी चाहिए। रिस्ट से आगे नहीं होनी चाहिए, रिस्ट के पीछे नहीं होनी चाहिए। दैट्स वन वे टू प्रेडिक्ट जैकेट साइजिंग। तो वो हो गया हमारा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है टाइटनेस आफ्टर जिपिंग। दूसरा फैक्टर जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए है कि अगर आप कोई जैकेट खरीद रहे हो, तो फिर ना हमेशा थोड़ी सी छोटी साइज भी आप ट्राई ऑन कर लो। एक बार जिपिंग के बाद ना, अगर वो ज्यादा टाइट हो गया तो ठीक है, दैट इज अ फ्लॉ ऑफ इंडियन विंटर शॉपिंग। हमारी साइजेस ना में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, हमें बस स्मॉल साइज मिलती है, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ठीक है। अगर आप अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, तो स्मॉल स्मॉल, मीडियम मीडियम, मीडियम लार्ज, ऐसे भी साइजेस मिलते हैं, ठीक है। तो जब आप जिप अप कर रहे हो ना, अगर वो जैकेट थोड़ा सा टाइट है, नो प्रॉब्लम। आपको ये देखना चाहिए कि विदाउट द जिप ऑन हाउ इज द जैकेट लुकिंग। देखो, इस ब्लू जैकेट में विदाउट द जिप ऑन मैं एकदम स्टड लग रहा हूं, विद द जिप ऑन थोड़ा सा टाइट है, पर फिर भी दिस इज द जैकेट साइज फॉर मी। इस पर ही ध्यान रखो। और अगर आपके पास कोई भी जैकेट नहीं है ना, तो आपका पहला जैकेट होना चाहिए टिप नंबर फोर। इसे हम कहते हैं एवर ग्रीन ब्लैक जैकेट। हां जी, अगर आपको एकदम स्टड जैसे दिखना है ना विंटर में, और आपके पास बिल्कुल कोई भी जैकेट नहीं है, या अगर आपको अभी जैकेट खरीदना है, आई ऑलवेज सजेस्ट अ ब्लैक जैकेट। क्यों? क्योंकि ब्लैक होता है एक कलर जो बाकी सब कलर्स के साथ आप मैच कर सकते हो। शर्ट के साथ मैच कर सकते हो, कैजुअल टी शर्ट के साथ मैच कर सकते हो, यार आप हुडीज के साथ भी पहन सकते हो जैकेट। और एक और जैकेट की मैं खास बात आपको बताता हूँ, एक ही जैकेट के साथ आप बहुत सारे अलग लुक्स क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों देखो, ये है माय चॉइस ऑफ जैकेट्स। ये एक ब्लैक बॉम्बर सिंथेटिक मटेरियल का जैकेट। यहाँ सिंथेटिक मटेरियल ना, चीप सिंथेटिक मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा महंगा है सिंथेटिक मटेरियल है। ये जैकेट मैंने लिया था 2000 रुपए के लिए। आई फील जैकेट्स पर ना 1500 या 2000 रुपए बिल्कुल आपको खर्चने चाहिए, क्योंकि जैकेट्स लास्ट ऑल्सो लॉन्ग। दिया एक्सपेंसिव फॉर अ रीजन। अगर आपने अच्छे ब्रांड से खरीदा ना, वो जैकेट खराब नहीं होने वाला है। ये है मेरी चॉइस का जैकेट। पर अगर आपको और कोई टाइप ऑफ जैकेट चाहिए, मेरी सजेशन है लेदर जैकेट। इफ यू फील यू वॉन्ट अ हाई पर्सनैलिटी जैकेट, अगर आपको थोड़ा बैड बॉय दिखना है ना, लेदर जैकेट ले लीजिए। और अगर आपको और भी बैड बॉय दिखना है, तो आपको लेना चाहिए एक बाइकर स्टाइल लेदर जैकेट, बिल्कुल ऐसे। ये देखो, यहाँ ना कॉलर्स बहुत बड़े हैं, यहाँ चमकीले चीज़ें भी हैं कॉलर्स पे, जैसे वो बटन्स बहुत सिल्वर है। जैकेट लेदर का, एकदम स्टड लगोगे, थोड़े से वो जोश वाले शाहरुख खान लगोगे। बट
यू विल लुक सेक्सी माई फ्रेंड। तो अगर जोश वाले शाहरुख खान जैसे दिखना है ना, वो ब्लैक लेदर जैकेट ले लो। अगर मेरे जैसे एकदम क्लासिक स्टाइल वाले जैसे दिखना है ना, तो गो फॉर अ सिंपल ब्लैक बॉम्बर सिंथेटिक जैकेट। ओके बॉयज, अगला टिप है पैंट्स के बारे में। देखो, अगर आपको एकदम स्टाइलिश दिखना है ना विंटर में, कौन से पैंट्स लेने चाहिए? डेनिम वाले जीन्स। हाँ जी, एंड कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन, आजकल की ट्रेंड क्या है जीन्स में, जीन्स, एंड कीपिंग द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आजकल की जीन्स की ट्रेंड क्या है? जेट ब्लू जीन्स, यानी कि एकदम डार्क ब्लू वाले सिंपल जीन्स। ये जीन्स बहुत सही दिखेंगे विंटर में। अगर ये भी नहीं है तो ठीक है, डीप ब्लू जीन्स ले लो, उसे आप जैकेट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, हुडी के साथ पेयर कर सकते हो। बेसिकली एनी पीस ऑफ विंटर वेयर कैन बी पेयर्ड विद जीन्स एक्सेप्ट फॉर्मल विंटर क्लोदिंग। अगर आप किसी के घर जा रहे हो ना पार्टी के लिए और विंटर के कपड़े पहनने हैं, तब आपको जीन्स नहीं पहनने चाहिए, तब आपको पहनने चाहिए डार्क कलर्ड चीनोस, और उसके साथ अंदर अगर आपको ठंड लग रही है ना तो थर्मल्स पहनने चाहिए। लेयर योर पैंट्स, बट फॉर फॉर्मल ओकेजन्स वेयर डार्क चीनोस, अदरवाइज फॉर ऑल अदर विंटर ओकेजन्स आप पहन सकते हो डार्क कलर्ड जीन्स, डीप ब्लू जीन्स, जेट ब्लू जीन्स या ब्लैक डेनिम जीन्स। तो चलो, ये बात हो गई हमारे पैंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जूतों के बारे में। जूतों की अगर आप बात करेंगे ना, तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में आते हैं लेदर बेस्ड बूट्स। ये ना जीन्स के साथ बहुत ही कड़क दिखते हैं, कोई भी जैकेट के साथ भी कड़क दिखते हैं। आप पहन सकते हो ऐसे वाले बूट्स जो डार्क ब्राउन है, आप पहन सकते हो ब्लैक लेदर बूट अगर आपको ब्लैक लेदर पहनना है, और आप पहन सकते हो ब्रोग्स। ये होते हैं सेमी फॉर्मल पेयर ऑफ शूज जो जीन्स के साथ बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। ये सेमी फॉर्मल लेदर के शूज या बूट्स पहन लो विंटर क्लोथिंग के साथ, बहुत ही कड़क दिखोगे। वो हो गया हमारा कैटेगरी ए। कैटेगरी बी इज फॉर लुकिंग यंगर। अगर आप टीनेजर हो, अगर आप कॉलेज में हो, और अगर आपको एकदम स्टार्ट दिखना है ना, कूल दिखना, आप पहन सकते हो स्नीकर्स। और ये ना हुडीज के साथ या कैजुअल जैकेट्स के साथ बहुत ही सही दिखते हैं। तो फॉर विंटर ऑलवेज गो फॉर कैटेगरी ए ऑफ लेदर शूज और कैटेगरी बी ऑफ स्नीकर्स। अगला टाइप है जैकेट ट्रेंड्स। अगर आप जैकेट शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि देखो, ब्लैक तो रहना ही चाहिए, पर ऑल्सो यू शुड एडुकेट योर सेल्फ ऑन अदर जैकेट ट्रेंड्स। पिछले 2-3 साल से और 5 साल तक कौन सा ट्रेंड चलेगा और चलता आ रहा है? बॉम्बर जैकेट का ट्रेंड। बॉम्बर जैकेट क्या होते हैं? ये स्टाइल के जैकेट होते हैं, ठीक है, जहां बेस, रिस्ट और नेक पर ऐसी ट्रिम होती है, ऐसा थोड़ा सा पैटर्न होता है। ये बेसिकली ऐसे शॉर्ट जैकेट होते हैं जो होते हैं बहुत ही वर्सेटाइल। टी शर्ट के साथ पहन सकते हो, हुडी के साथ पहन सकते हो, ये पार्टी के लिए भी पहन सकते हो, और अगर आप बाहर जा रहे हो ना कोई शॉपिंग के लिए, अगर आप आउटडोर जा रहे हो तभी भी पहन सकते हो। ये होते हैं बॉम्बर जैकेट्स, दीज आर वेरी इन फैशन। और एक ही रूल है, ठीक है, अगर आपको लो पर्सनालिटी वाला सटल बॉम्बर जैकेट पहनना है, वो होती है मेरी स्टाइल, ठीक है। मेरी स्टाइल थोड़ी सी लो पर्सनालिटी है, मैं सिंपल कपड़े पहनता हूँ, मैं प्लेन जैकेट पहनता हूँ ऐसे छोटे पैटर्न्स के साथ। पर अगर आपको हाई पर्सनालिटी दिखना है ना, तो आप थोड़ी सी कलर ब्लॉकिंग कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे थोड़े से लोगोज ला सकते हो अपने जैकेट पर। पर एक ही बात ध्यान में रखो, आपकी ओवरऑल लुक ना अच्छी होनी चाहिए, आपको मुर्गे जैसा नहीं दिखना चाहिए जैकेट पहनने के बाद। अगला टिप है लेयरिंग। ये भी एक विंटर फैशन का रूल होता है। लेयरिंग क्या होती है? बेसिकली एक कपड़े के ऊपर जब दूसरा कपड़ा पहन रहे हो ना, उसे हम कहते हैं लेयरिंग। देखो, लेयरिंग के 3 essentials होते हैं, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट और ग्रे टी शर्ट। ये आप खरीद लो, ये आपको समर में भी आपके काम में आएंगे। और आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टाइल चूज वी नेक और चूज राउंड नेक, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। एक और बात ध्यान में रखो, आप हुडीज को भी जैकेट के साथ लेयर कर सकते हो बिल्कुल ऐसे। और फाइनली लेयरिंग ऑफ द फॉर्मल लुक, चलो ये अगला पॉइंट ही बना देते हैं, इसे हम कहते हैं विंटर फॉर्मल लुक। विंटर फॉर्मल लुक क्या होती है? जब आप पार्टी के लिए जा रहे हो ना किसी के घर, विंटर पार्टी के लिए जा रहे हो, क्रिसमस पार्टी के लिए जा रहे हो, ऐसी लुक आपको मेंटेन करनी चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ व्हाइट और ब्लैक टी शर्ट कवर्ड बाय अ फॉर्मल शर्ट टक्ड इनटू फॉर्मल चीनो पैंट्स। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि यार अभी इनर टी शर्ट नहीं दिखनी चाहिए शर्ट के अकॉर्डिंग, वो अमेरिकन स्टाइल का रूल होता है, ठीक है, इंडियन स्टाइल का रूल है ये। लेयरिंग इज ओके इन इंडिया, ये बहुत ही स्टाइलिश दिखता है। अगर आपको खुद ये लुक अच्छी लग रही है ना, फॉलो कर लो, बहुत ही मस्त दिखोगे, मेरी बात मान लो। और दोस्तों एक और चीज, अगर आपको जैकेट ये लुक में ऐड करना है ना, तो बॉम्बर जैकेट सिर्फ ब्लैक होना चाहिए, और अगर आपके पास एक फॉर्मल कोट है ना ब्लेजर, तो वो थोड़ा डार्क कलर का होना चाहिए, ब्लैक, नेवी ब्लू या डार्क ग्रे। दोस्तों अगर आपको शर्ट और जैकेट एक साथ पहनना है ना, आपकी शर्ट होनी चाहिए टक्ड इन, नॉट लेफ्ट आउट। अगर वो बाहर आप छोड़ोगे ना शर्ट, तो एकदम मवाली जैसे दिखोगे, प्लीज ये बात याद रखो।
अगला टिप है स्वेटर्स। आई बात स्वेटर की ना, तो फिर से वो एकदम कलरफुल स्वेटर मत पहनो जो हम बचपन में पहने करते थे। आपको मुर्गे जैसा नहीं लगना है, आपको लगना है क्लासी। जितने सिंपल आपके कलर्स होंगे ना, उतने ही क्लासी आप दिखोगे। और आई बात स्वेटर्स के ख्याल रखने की, आपको ये ध्यान में रखना है कि वूल के कपड़े ना बहुत आसानी से खराब हो सकते हैं। तो अगर आप कबर्ड में लटका रहे हो ना वो वूल के कपड़े, तो आपको लटकाना नहीं चाहिए, आपको फोल्ड करके कबर्ड में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको वो कपड़ों को धोना है ना, एक ही रूल है, विंटर के बिगिनिंग में, ठंडी से पहले और ठंडी के बाद आपको स्वेटर को ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए, अगर आप बहुत बार पहन रहे हो स्वेटर को, ठीक है। और अगर कुछ हो गया आपके स्वेटर को ना, कोई ऐसा दाग लग गया, तो यार थोड़ा सा पानी ले लो, थोड़ा सा क्लब सोडा ले लो और वो दाग को धो लो। दोस्तों अगला टिप है हुडीज। अगर आपको हुडीज पहनने ना, पहले तो आप ये जान लो कि आप बहुत यंग दिखोगे हुडी के साथ। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप 22 साल या 25 साल की उम्र से ज्यादा, मेरा मानना यह है कि अगर आप 22 साल या 25 साल से उम्र में ज्यादा, क्या कैसे करते हैं, इफ यू अबव 25 इयर्स ओल्ड आई रिकमेंड नॉट वेयरिंग हुडीज। पर अगर आपको हुडी लेना ही है ना, तो वो ऐसा हुडी होना चाहिए जो बीच में से खुलता है। और फिर से वही विंटर का रूल है मेरे भाइयों, कीप इट सिंपल ब्रोस। अगला टिप है कैप्स के बारे में। अवॉइड मंकी कैप्स, गो फॉर स्कल कैप्स लाइक दिस और स्कलीज। और अगर आप बॉम्बर जैकेट पहन रहे हो और अगर आपको क्लासी लुक बनानी है ना, आप ऐसे स्नैपबैक के साथ भी पेयर कर सकते हो। स्नैपबैक्स होते हैं वो स्टाइलिश दिखने वाले अमेरिकन कैप्स, ठीक है। और अब बात आती है एक्सेसरीज के बारे में। अगर आपको सच में क्लासी दिखना है ना बिल्कुल मेरी तरह, तो मेरा ये मानना है कि आपको बिल्कुल ब्राउन कलर के एक्सेसरीज पहनने चाहिए। सो हियर, ब्राउन कलर के एक्सेसरीज दे दो। पर ब्राउन क्यों भाई? क्योंकि ब्राउन आपके लुक को बनाता है वार्म। और अगर किसी ने आपको ठंडी में ऐसे ब्राउन एक्सेसरीज पहनते देखा ना, उनको लगेगा वाओ व्हाट अ वार्म पर्सन। पर अगर मेरे पास ब्लैक एक्सेसरीज है तो भी ठीक है यार, बट इन द फ्यूचर इन्वेस्ट इन ब्राउन। ये क्या हो गया मेरे को? बेसिकली आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आपको सेक्सी दिखना है ना, मेरा मानना ये, अगर आपको क्लासी और सेक्सी दिखना है, पेयर योर विंटर क्लोथ विद ब्राउन एक्सेसरीज, ब्राउन लेदर वॉचेस, ब्राउन लेदर बेल्ट्स, ब्राउन लेदर शूज आर प्रिफर्ड। ब्राउन का शेड मैटर नहीं करता है, यही मैटर करता है कि आपकी पूरी लुक ना थोड़ी सी वार्म दिखनी चाहिए, ठंडी के मौसम में अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो व्हाट्सएप और शेयर चैट पर शेयर कीजिए, रणवीर अलावादिया को इंस्टाग्राम पर इस हैंडल पर फॉलो कीजिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, मेन स्टाइल प्लेलिस्ट देख रहे हो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्ते, लव यू ऑल।